हेडिंग डालो अपने पास हेडिंग डालो अमेलगमेशन एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डालो इसमें फर्स्ट पॉइंट मीनिंग ऑफ अमेलगमेशन लिखो पहले इसके बारे में लिखो फिर समझाता हूं अमेलगमेशन मीन्स अमेल्गमेशन मीन्स वेन टू और मोर कंपनीज अमेलगमेशन मीन्स वेन टू और मोर कंपनीज कम टूगेदर कम टूगेदर टू मेक एन एंटायरली न्यू कंपनी कम टूगेदर टू मेक एन एंटायरली न्यू कंपनी अब देख लो पहले इधर एक कंपनी है एक्स लिमिटेड एक कंपनी है वाई लिमिटेड अगर ये दोनों मिलके बन जाएं जेड लिमिटेड तो इसको हम बोलेंगे अमेल्डमेशन दोनों कंपनियां मिलके बन जाएं जेड लिमिटेड तो ये क्या बनेंगी दिस इज वॉट इज कॉल्ड अमेल्गमेशन तो क्या होगा ये बन जाएगी एक ओल्ड कंपनी ये भी बन जाएगी ओल्ड कंपनी और ये बन जाएगी एक न्यू कंपनी ठीक है तो क्या होगा ये कंपनी इस कंपनी को अपने असेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर करेगी ये भी इसको अपने असेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर करेगी बदले में ये इसको और इसको इस चीज के पैसे देगी उन पैसे देने को क्या बोलेंगे हम परचेज कंसिडरेशन ठीक है ओल्ड कंपनी अपने असेट्स एंड लाइबिलिटीज न्यू कंपनी को देंगी और न्यू कंपनी बदले में इसके लिए पैसे देगी उसको क्या बोलेंगे हम परचेज कंसिडरेशन तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है इस चैप्टर में हमें पढ़ना है बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी कैसे बंद होंगी बुक्स ऑफ न्यू कंपनी कैसे खुलेंगी और पीसी की कैलकुलेशन कैसे होगी तो हमें तीनों चीज सीखनी है ओल्ड कंपनी की बुक्स न्यू कंपनी की बुक्स और यह परचेज कंसिडरेशन कैसे निकलेगा ठीक है अगर एग्जाम्पल देखना हो कि क्या ऐसा कभी हुआ है इंडिया में कि एक्स और वाई मिलकर जेड हो गए तो हां हुआ है एक कंपनी का नाम तुमने सुना होगा ब्रुक बॉन्ड चाय बनाते थे लोग और एक कंपनी तुमने सुनी होगी लिप्टन इंडिया इन दोनों ने मर्जर किया दोनों अमेल्गमेंट हुए और क्या बन गए ये ब्रुक बॉन्ड लिप्टन इंडिया देखना तुम तो कभी भी ब्रुक बॉन्ड लिप्टन इंडिया के चाय लग गए क्योंकि पहले ये दोनों अलग अलग थे अब दोनों अमेलगमेट हुए इस पूरे डायग्राम को कॉपी करो जल्दी लिखो बी पॉइंट बी पॉइंट लिखो एब्जॉपन लिखो एब्जॉपन के अंदर इट मींस इट मींस व्हेन वन कंपनी When one company takes over another company takes over another company Full sharp. a new company is not formed, a new company is not formed. बट द कंपनी टेकिंग ओवर बट द कंपनी टेकिंग ओवर इज कॉल्ड न्यू कंपनी इज कॉल्ड न्यू कंपनी देखते हैं। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड और एक कंपनी है वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड अपना अच्छा चल रही थी वाई लिमिटेड आके इसमें मिल जाए और यह रह जाए सिर्फ एक्स लिमिटेड तो यह क्या है एब्जॉर्प्शन तो एब्जॉर्प्शन में एक कंपनी दूसरी कंपनी को खा जाएगी और उसका वजूद खत्म कर देगी तो ये क्या हुई ओल्ड कंपनी हुई और ये हमारी न्यू कंपनी हुई ये कंपनी क्या करेगी अपने असेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर करेगी और ये कंपनी बदले में इसको पैसे देगी जिसको हम बोलेंगे पीसी तो हमने हमने क्या सीखना है हमने सीखना है बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी बुक्स ऑफ न्यू कंपनी और पीसी कैसे निकालें ये तीन चीज हमने सीखनी होगी ठीक है अब अगर पूछो कि क्या हुआ है ऐसा तो हां हुआ है अगर तुमने आजकल सुना हो जैसे रिलायंस ने टेक ओवर कर लिया है फ्यूचर रिटेल को फ्यूचर रिटेल हाँ बिग बाजार जो बिग बाजार की जो है पूरा उसको टेक ओवर कर लिया है और अब वो सिर्फ रिलायंस बन जाएगा तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल कि क्या ऐसा हुआ है रिलायंस फ्यूचर रिटेल बन गया रिलायंस बना लो सर डायग्राम को जल्दी सी पॉइंट एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन इट मींस it means when one old company when one old company is transformed into when one old company is transformed into a new company is transformed into a new company <clears throat> देखो अगर एक कंपनी है एक्स लिमिटेड और ये अपनी शकल बदल ले और एक नई कंपनी बन जाए वाई लिमिटेड तो ये क्या है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बस इसमें कोई दूसरी कंपनी नहीं आ रही मैं सॉरी दूसरी कंपनी ना के साथ मिलकर काम कर रही है बस एक्स लिमिटेड ने अपना चेहरा बदल लिया और नई कंपनी बन गई तो ये हो गई ओल्ड कंपनी और ये हो गई न्यू कंपनी ये इसको देगी अपने असेट्स एंड लाइबिलिटीज और ये बदले में इसको देगा पैसे जिसको हम बोलेंगे पीसी तो हमने क्या सीखना है हमने सीखना है बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी बुक्स ऑफ न्यू कंपनी और पी ये तीन चीज हमने सीखनी है अगर एग्जाम्पल दू तो एग्जाम्पल में जैसे एक यूटीआई में कुछ साल पहले फ्रॉड हुआ था तो यू की शक्ल बदल के एक्सिस बैंक बना दिया ये नाम तो तुमने सुना हुआ होगा एक्सिस बैंक वो पहले यूटीआई था उसकी शक्ल बदल के नई कंपनी बना दी एक्सिस बैंक बना लो इसको जल्दी से। सर अभी ये लवली ग्लो एंड लवली हो गया तो ये भी एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है वो उन्होंने ब्रांड का नाम चेंज किया बस उन्होंने प्रोडक्ट का नाम चेंज किया कंपनी ने अपना आप को नहीं बदल लिया नई कंपनी नहीं बनी वो उसी प्रोडक्ट का नाम बदल दिया और कुछ नहीं जैसे जो हच वोडाफोन बन गया था वो हच वोडाफोन बन गया था तो हच ने तो वोडाफोन ने हच को टेक ओवर किया है अगर तो तुम वोड़ा देखो वोडाफोन आइडिया अगर तुम हाँ वोडाफोन आइडिया देखो तो दिस इज अमेलगमेशन अगर वोडाफोन आइडिया देखोगे दैट इज अमेलगमेशन वो यहां आएगा क्योंकि अब वो वी आई बन गया है वोडाफोन आइडिया इज वी आई शॉर्ट में अगर हच और वोडाफोन देखोगे तो दैट इज एब्शन क्योंकि हच को टेक ओवर कर लिया था वोडाफोन ने हच को टेक ओवर किया था और अगर बात करूं जैसे फेयर एंड लवली का नाम ग्लो एंड लवली हो गया वो सिर्फ प्रोडक्ट का नाम चेंज किया है कंपनी नहीं बदल गई कंपनी अभी भी वही है बस तो नॉट एक्सटर्नल जल्दी से बना लो इसको सर uh, हाँ. में जो कंपनी ओवरटेक कर रही है तो हुँ. फिर वो जब न्यू कंपनी बनेगी तो उसी ओल्ड कंपनी उसी जो टेक ओवर कंपनी कर रही है उसी का नाम ही रहेगा फिर हाँ, या नाम चेंज होगा उसमें नहीं नहीं वही नाम रहेगा अब देखो ना वोडाफोन और हच जब हुआ था तो हज कोई जानता थोड़ी था अब हच खत्म हो गई थी सिर्फ वोडाफोन रह गई थी तो सब हच को भी वोडाफोन ही बोल रहे थे हच ख... ओवर। ये जैसे मैं रिलायंस वाला एग्जांपल ले रहा हूँ रिलायंस और फ्यूचर रिटेल ये आगे चल के जब पूरा इनकी डील पूरी कर, पूरी तरह क्लोज हो जाएगी तो जो बिग बाजार है बिग बाजार विल नो लॉन्ग बी बिग बाजार वो जियो हो जाएगा मतलब रिलायंस का हो जाएगा वो तो जियो अपना नाम रख रिलायंस अपना नाम रखेगा उसके लिए पुरानी कंपनी का नाम हटा देंगे उनको रखना है तो रख लेंगे जैसे एग्जाम्पल देता हूं हिंदुस्तान यूनिलीवर ने क्वालिटी वॉल्स को टेक ओवर किया था पता है तुम्हें तो ये बात क्वालिटी वॉल्स एक अलग कंपनी थी हिंदुस्तान यूनिलीवर एक अलग कंपनी है क्या हुआ इन्होंने इनको टेक ओवर किया और एचुअल ही रह गई बट उन्होंने प्रोडक्ट का नाम अभी क्वालिटी वॉल्स रखा हुआ है क्योंकि लोग जानते हैं तो उन्होंने क्वालिटी वॉल्स दिया पर पीछे जो मालिक बैठा है वो एक्चुअली बैठा है क्वालिटी वॉल्स का अब अपना कुछ है नहीं वजूद अब अगर देखो तो हमारे पास क्या क्या दिख रहा है बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी बुक्स ऑफ न्यू कंपनी पीसी बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी बुक्स ऑफ न्यू कंपनी और पीसी और बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी बुक्स ऑफ न्यू कंपनी और पीसी तो भैया तीन बार बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी तीन बार बुक्स ऑफ न्यू कंपनी और तीन बार पीसी आ गया होगा कि भाई साहब कितनी books of old company, कितनी बुक्स ऑफ न्यू कंपनी और पीसी तो एक खुशी की बात यह है कि ये तीनों एक ही तरीके से करे जाते हैं बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी तीनों केसेस में एक तरीके से बनेगा बुक्स ऑफ न्यू कंपनी भी तीनों में एक ही तरीके से बनेगा और पी भी एक ही तरह से निकलेगा यह सिर्फ समझने का तरीका है कि हम तीनों में करते क्या है और हमें तीनों का ही सीखना है बट तीनों में काम एक ही चलेगा ठीक तो अब नीचे लिखो इसके नीचे लिखना शुरू करो अकाउंटिंग इन अमेल्गमेशन अकाउंटिंग इन अमेलगमेशन comma absorption and external reconstruction and external reconstruction is the same is the same Full stop. hence it is immaterial hence it is immaterial that the question is of that the question is of amalgamation comma absorption or external reconstruction तो तीनों केसेस में अकाउंटिंग सेम चलेगी डरने वाली बात नहीं है ये बात मैंने लिखवा दी ठीक नेक्स्ट एक बहुत नॉर्मल से एक एग्जाम्पल ले रहा हूं एक आदमी है इसके पास एक कार है ठीक है ऐसी बनाते थे ना बचपन में कार लो ये रही कार और ये रहा उसका एग्जॉस्ट चलो तो इस आदमी का नाम कुछ भी ले लो इसको ये कार इस आदमी को बेचनी है ठीक है तो इसने इसको कार बेचने के लिए बात करी और यह बंदा कार खरीदने के लिए तैयार हो गया या तो या नाम दे देते हैं चलो ए और बी ए को कार बेचनी है और बी को खरीदनी है बी पैसे दे देगा तो जब ये जा रहे थे मिलने एक दूसरे से कार के लिए तो ए का बच्चा कहता पापा पापा मुझे भी चलना है मुझे भी चलना है मुझे भी कार बेच मुझे भी देखना कैसे होता है तो ठीक है उसका बे बेटा देखो छोटा सा कि पापा का हाथ पकड़ के साथ जा रहा है टिंग निंग कार बेचेंगे कार बेचेंगे कौन है ये ये है हमारा एक लड़का एका छोकरा, का छोकरा कहना नहीं एक छोकरा हुआ जवारे तो बस ये अब जवान होने जा रहा है कार बेचते हुए देखेगा तो इसको पता चलेगा कि क्या क्या करना होता है कार बेचते हुए चलो भाई अब क्या हुआ ए जब कार जा रहा था बेचने तो एक के जो चाचा है सॉरी एक के जो भाई है वो भी आ जाता है कहता है, चलो मैं भी चलता हूं तो एक का जो भाई है वो भी चलता है कहता है कि चलो यार घर पे बैठे लॉकडाउन है क्या ही करेंगे चलो तो एक का ब्रो भी चल रहा है यो वाला यो ब्रो ठीक अब ये तीनों जा रहे हैं कार में बैठ के और बी के साथ डील करेंगे बी अकेला आ रहा है ठीक है बी के भी रिश्तेदार नहीं बुला रहा मैं बहुत लंबा सो हो जाएगा सवाल तो ये तीनों मिलके जा रहे हैं कार बेचने तो बी ने कार देखी और कार देख के वो खुश हुआ तो ये लोग कार इसके पास पहुंचा दे ये लोग भाई बी ने कार चला के देखी और बी को कार पसंद आई कंडीशन पसंद आई और बी तैयार होगा खरीदने के लिए तो पूछा भैया कितने पैसे तो इन्होंने आपस में बातचीत करी और बातचीत करके डिसाइड हुआ कि कार की जो प्राइस है वो दो लाख रुपए है मान लो दो लाख रुपए में ये बेचने को तैयार हो गए ठीक है तो बी क्या कर रहा है बी के पास नोटों की गड्डी है ये देखो नोटों की गड्डी दो हजार के नोट है फिर कुछ कुछ पांच सौ के भी नोट है उसके पास ठीक है तो बी क्या कर रहा है नोटों की गड्डी गिन रहा है थूक लगा के हाथ पे लग लगे गिने जा रहा है गिने जा रहा है गिने जा रहा है जब बी ने गिन लिया तो बी फिर ए को देने लगा ये पैसे और कहने लगा कि देख लो भाई सब पूरे हैं या नहीं मैंने तो गिन लिया है तो बी जब ए को दे रहा था तो बीच में से बच्चा उछलता है और कहता है कुछ मुझे भी दो मैं भी गिनूंगा मैं भी गिनूंगा तो बी को भी कुछ नोट दे देता है मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ ये कुछ है समझाना चाह रहा हूं मैं बी को भी कुछ नोट दे देता है और ए को भी कुछ नोट दे, दे देता है गिनने के लिए अब ए के पास ज्यादा नोट होते हैं तो ए कुछ नोट बी को एक अपने भाई को भी गिनने को दे देता है आ रहा ना समझ ए बी जब पैसे दे रहा था तो ए के लड़के ने कहा मुझे भी गिनना है मैं भी गिनूंगा मैं भी गिनूंगा तो ए को कुछ ए के बेटे कुछ दे दिया और बाकी सारा पैसा ए को दे दिया ए ने क्या किया नोट ज्यादा हो रहे थे उसके हाथ में तो कुछ अपने भाई को दे दे कहा कुछ तुम गिनो कुछ मैं गिन लेता हूं तो तीनों बैठ के नोट गिन रहे हैं ठीक है और नोट गिने और पैसे निकले कि भाई पूरे दो लाख रुपए हो गए बराबर हो गए ठीक सारा काम हो गया अब ये जो कार है ये कार बी अपने साथ ले गया और बाय बाय हो गई तो बी इज आउट ऑफ द पिक्चर नाउ ठीक है यार रखते चलो अब पैसे आ गए भाई ने जो पैसे थे वो उठा के इसको दे दिए ले भाई उसके पाइल ऑफ डेक नोटों को कैश बढ़ा दिया और बच्चे ने कुछ नोट अपने पास रख लिए और कुछ पापा को दे दिया तो पापा नहीं मैंने भी करवाई ना डील मुझे भी थोड़ा सा चाहिए मुझे भी थोड़ा सा कमीशन चाहिए ठीक अब बी ने जो पैसा दिया वो अब वो पैसा दो लोगों के पास पड़ा है इधर और कुछ पैसा औलाद ने रख लिया का पापा मैं अभी मैं अभी ऐसे कैसे पापा हैं इसके पास कुछ नहीं बच रहा क्योंकि कार तो उसकी थी नहीं तो उसके भाई की थी तो उसने से नोट गिनने के लिए रखे थे बाकी नोट दे दिए जितने उसने गिनने के लिए रख, मिले थे उसको अब इस एग्जाम्पल में अगर मैं कहूं तो जो ये बी है ये क्या है बी हमारी न्यू कंपनी है न्यू कंपनी क्या कर रही है हमारे असेट्स एंड लाइबिलिटीज लेके जा रही है और बदले में दो लोगों को पैसे दे के गई ये दो लोग कौन है शेयर होल्डर कौन से कौन से इक्विटी एंड प्रेफरेंस ठीक अब इक्विटी कौन हो गया एक तरीके से ए हो गया और प्रेफरेंस कौन हो गया उसकी औलाद जो छोटा बच्चा है तो प्रेफरेंस देखा जाए तो छोटा बच्चा ही होता है इस तरीके से प्रेफरेंस के पास कम अधिकार होते हैं प्रेफरेंस के पास कम वोटिंग वोटिंग राइट्स होते ही नहीं है और उनका थोड़ा हाथ कम पर चलता है कंपनी के डिसीजन मेकिंग पे पर सबसे ज्यादा डिसीजन मेकिंग किसकी इक्विटी वाले को तो इक्विटी हो गया ए तो जब भी पैसे दिए जाएंगे जब भी पैसे दिए जाएंगे बाय द न्यू कंपनी तो वो इन्हीं दोनों को दिए जाएंगे इक्विटी एंड प्रेफरेंस को और इन्हीं को जो दिया जाएगा पैसा उसी को पैसे उसी पैसे को हम परचेज कंसिडरेशन बोलेंगे जो किसी और को पैसा दिया जा रहा है उनको दिया गया पैसा विल नॉट अमाउंट टू परचेज कंसिडरेशन तो यहां ए के भाई को मैंने क्या माना मान ला मैंने जैसे कि वो डिबेंचर होल्डर है या मैंने माना वो क्रेडिटर है या वो बैंक लोन है इनको भी पैसे चुकाए जाते हैं जब ये कंपनी ये कंपनी एक तरीके से ओल्ड कंपनी है जब ये कंपनी अपने असेट्स ट्रांसफर करती है तो असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ट्रांसफर होते हैं लाइबिलिटीज भी पे ऑफ होती हैं मतलब ये जो न्यू कंपनी है ये लाइबिलिटीज भी चुकाएगी बट इन लाइबिलिटी वालों को अगर कुछ पैसा मिलता है तो उस पैसे को पीसी नहीं बोलेंगे पीसी सिर्फ वो बोली जाएगी जो इक्विटी वाले को मिले या प्रेफरेंस वाले को मिले बस ये बात समझ में आती है किसी को किसी को कोई डाउट है तो पूछो इस बात में बताओ कोई डाउट है इस बात में तो बोलो मैं रिपीट कर देता हूं एक बार न्यू कंपनी असेट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों लेके जाएगी लाइबिलिटीज लेके जाएगी का मतलब क्या है लाइबिलिटीज चुकाएगी तो लाइबिलिटीज जो चुकाएगी जैसे ये डिवेंचर को चुकाएगी क्रेडिटर को चुकाएगी बैंक लोन चुकाएगी इनको जो ये कंपनी पैसा चुकाएगी उसको परचेज कंसिडरेशन में नहीं लिया जाएगा बट इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस होल्डर को अगर कुछ पेमेंट मिली है तो उसी को हम पीसी बोलेंगे अदरवाइज पीसी नहीं बोलेंगे अब अगर तुम ध्यान से देखो तो बी ने जो पैसे दिए थे उसके पास 2000 के नोट थे कुछ 500 के नोट थे मैं मान लेता हूं 200 के भी कुछ नोट थे 100 के भी कुछ नोट थे एग्जाम्पल है नोट तो कुछ भी हो सकता है ना तो उसके पास ये चार तरीके के नोट थे और वो नोट उसने इनको पकड़ा है ठीक तो पैसे तो पैसे है ना चाहे फिर आपने सौ का दिया हो दो सौ का दिया हो पांच सौ का दिया हो कि दो हजार का दिया हो तो क्या बात निकल के आती है आप पीसी की पेमेंट कैसे भी कर सकते हो माने आप इसके बदले इक्विटी शेयर दे सकते हो आप प्रेफरेंस शेयर दे सकते हो कैश दे सकते हो या डिबेंचर दे सकते हो चाहो तो कुछ और भी दे सकते हो बट देना किसको है मिलेगा किसको या तो इक्विटी शेयर होल्डर को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ठीक है, देने को कुछ भी दे दो इक्विटी वाले को इक्विटी दे दो प्रेफरेंस भी दे सकते हो कैश भी डिवेंचर भी या कुछ और सेम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी ये मिल सकता है ये मिल सकता है ये, ये या ये जो मर्जी दे दो बट देना इन्हीं लोगों को है ठीक है नोट कैसा भी हो चलता है ना 100, 200 500 2000 तो आप पैसे कैसे भी दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट देना इन्हीं दोनों लोगों को है कोई डाउट किसी को इस बात में पूछो किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन तो बताओ no, अब मुझे बताना मैं कुछ सवाल कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा और हमें बताना है कि वो पीसी की पेमेंट में आएगा या नहीं ठीक है एग्जांपल्स मैं ऐसी बना रहा हूँ लिखने की जरूरत नहीं है बताना डिबेंचर को हमने इक्विटी शेयर दिए बताओ पीसी है या नहीं यस और नो नहीं है सर बाकी लोग नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं क्यों नहीं सर क्यों नहीं सर बिकॉज डिबेंचर को दे रहे हैं क्योंकि हम डिबेंचर्स को दे रहे हैं डिबेंचर हमारी लाइबिलिटी है अच्छा आओ। हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिबेंचर दे रहे हैं पीसी है या नहीं है फिर होगी है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट हो रही है <coughs> अच्छा अगर मैं कहूं मैं इक्विटी शेयर होल्डर को कैश दे रहा हूं पीसी है या नहीं सर्थ है, है। सर है।, 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 है क्योंकि पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर को हो रही है आम, लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस न्यू कंपनी पे कर रही है पीसी है या नहीं लिक्विडेशन no, समझते हो जो पुरानी कंपनी बंद होगी तो बंद होने पे उसको खर्चे पड़ेंगे तो वो खर्चा न्यू कंपनी पे कर रही है वो पीसी है या नहीं बोलो बस इतना सोचो तुम्हें तो सिर्फ इतना सोचना है क्या लिक्विडेशन एक्सपेंसेस इनको मिलेंगे अगर इनको मिलेंगे तो पीसी है नहीं मिलेंगे तो पीसी नहीं है अब बताओ नौ no, सर एक आंसर नो no. बाकी okay. लोग नो no. सर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस न्यू कंपनी क्यों पे करेगी ये तो ओल्ड कंपनी खुद से नहीं करती लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एक बात बताओ हमने क्या देखा था ओल्ड कंपनी न्यू कंपनी को क्या करती है अपने असेट्स एंड लाइबिलिटी ट्रांसफर करती है ठीक असेट्स में कैश भी होगा ओल्ड कंपनी अपना कैश इधर दे रही है तो इसके पास कैश क्या बचा जीरो जीरो हो गया ना तो अब ये कैसे पे करेगी अपने खर्चे ये नहीं पे कर सकती कौन पे करेगा फिर ये आप बताओ से नहीं होगा बोलो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है नो सर। नहीं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, ये जो न्यू कंपनी है ना ये जहां जहां पे भी एक्सपेंसेस पड़ेंगे वहां वहां पे कर देगी ये इनको नहीं मिलते जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी ये वहां वहां उनको पे करती चली जाएगी बस ठीक है तो सवाल कैसा आएगा सवाल कहेगा कि भाई परचेज कंसिडरेशन निकालनी है और परचेज कंसिडरेशन में ना सवाल तुम्हें यह भी बता देगा यह भी, भी बता देगा ये भी बता देगा और ये भी बता देगा और कहेगा पीसी निकालो मैंने अभी तो तुम्हें सिखा दिया बट तुम एग्जाम में फिर गलती करोगे क्या करोगे इसको भी पीसी में ले लोगे या इसको पीसी में ले लोगे बट हमने आंख खोल के सवाल करना है हमने कहना भैया सिर्फ मालिक जो होता है जैसे ये मैंने एग्जाम्पल क्यों लिया देखा जाए तो कार के दो मालिक हो एक तरीके से ए और ए का बेटा चाहे बेटा छोटा है बट है तो ना बाप का ये तो जो बाप का वो बेटे का तो भाई बाप और बेटे को जो पैसा मिलेगा वही ही पीसी रहेगा सवाल कंफ्यूज करने के लिए इसको भी पीसी बोलेगा बट हमने इसको या इसको या पीसी में काउंट नहीं करना है ठीक है कोई डाउट है किसी को तो बताओ आज मैं इतना ही करवाऊंगा पीसी के ये दो मेथड्स हैं नेट असेट और नेट पेमेंट इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे